गौरव आप पे जिम्मेदारी है पूरी टीम को उतारने की, आप बस चोटी पे नहीं अपने उतारने पे ध्यान दीजिए। आप हम आपको लीडर पद से निष्कासित कर देंगे। हेलो बंदूक बाज। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब कभी अगर आपने रात में गेम खेला होगा तो एक चीज नोटिस करी होगी, कभी कभी मैच मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और फिर जब कहीं जाके मैच मिलता है तो कतई इंडो लॉबी होती है जिसमें आपका पिंग एकदम टट्टी आ रहा होता है, और साथ ही साथ जो प्लेयर्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। तो आज मैं आपको दो गेम प्ले दिखाने वाला हूँ और दोनों गेम प्ले बहुत ज्यादा मस्त है। पहले गेम प्ले पे मैंने और लेजिट ने सबकी ऐसी तैसी कर दी, और दूसरे वाले गेम प्ले की एंडिंग जरूर देखना भाई, क्या इंटेंस एंडिंग थी। क्योंकि उस टाइम दो ही टीम थी जो डोमिनेट कर रही थी, एक कोई टीबी करके थी कोई क्लैन, और एक हम लोग की टीम थी, और भाई लास्ट में क्या घमासान युद्ध हुआ वो तो जरूर देखना। आजा कहाँ रखी गाड़ी, किधर है वो? मेरे सामने रुक जा, रुक जा, फार्म रुक जा। मैंने नहीं किया, मैंने तो वो दो मिनट पहले कर दिया था फायर, मैंने नहीं किया, मारता था। एक गाड़ी में भाई हम लोग के सामने की स्क्वाड आ गई थी, लेकिन पीछे भी एक स्क्वाड थी और उसका एक बंदा था जिसपे हम लोग को शक हो रहा था कि कुछ सुपर पावर्स यूज कर रहा है। अब फिलहाल मैंने एक को नॉक कर दिया था, लेकिन जरा बंदूकबाज को देखना, पटापट दो हेडशॉट पड़े और बंदूकबाज की बंदूकबाजी निकल गई। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर बंदूकबाज ने कहा कि वो बंदा कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी तक हम लोग को ये बात नोटिस नहीं लगी क्योंकि कार 98 से डबल हेडशॉट मार रहा है। एक बार मतलब नॉक करना और दूसरी बार फिनिश करना एक कॉमन बात है, लेकिन फिर उसके बाद वो बंदा कुछ ज़्यादा ही अंधी फायरिंग करने लगा। कुछ किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब पीछे वाली स्क्वाड तो पीछे हट गई थी, लेकिन जो सामने वाली स्क्वाड थी वो हम लोग के ऊपर क्लोज इन कर रही थी, और हिसाब किताब ये था कि उनका एक बंदा था जिसके पास एम बॉट था और लोकेशन हैक था, लेकिन उसके पास वॉल पेनिट्रेशन वाला ऐसा कुछ था नहीं, तो यहाँ पर हम लोग घर के अंदर सेफ थे, लेकिन उसका एम बॉट और लोकेशन हम लोग को बहुत परेशान कर रहा था। अब होता यह था कि उसको मेरी पूरी लोकेशन पता थी, और जैसे ही मैं खिड़की के पास जाता था बंदा वैसे ही एग्जैक्टली वहीं पर फायर करने लगता था कि अगर मैं जरा सा भी पीक करूं तो मैं नॉक हो जाऊं। फिलहाल ऐसा कोई क्लियर एविडेंस तो नहीं मिला कि वो बंदा हैक कर रहा था या फिर नहीं, लेकिन फिर भी शक पूरे टाइम था, और ये जो शक होता है ना यही आपकी गेम की ऐसी की तैसी कर देता है। भले ही सामने वाला हैक ना कर रहा हो, लेकिन एक बार मन में आ जाती है ना बात, ये हो सकता है सामने वाला हैकर हो, तब आप दब के खेलने लगते हो, बच के खेलने लगते हो, और जो आपका नेचुरल गेम होता है ना फिर वो बाहर नहीं आ पाता, यही मेन चीज प्रॉब्लम होती है। अब सामने वाला अगर हैकर डिक्लेयर हो जाता तब तो भैया फुल एंड फाइनल बात है, लेकिन अभी तक पता नहीं तो समझ भी नहीं आ रहा है कि एग्रेसिव रहे या फिर डिफेंसिव। अब फिलहाल वो लोग पुश कर रहे थे, और क्योंकि हम लोग अलग अलग थे तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि यहाँ पर वो मेरे ऊपर पुश कर दें, तो मैंने एक मॉली करा और भाई ये काम भी कर गया। इस बंदे को मॉली ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, लेकिन ये फिर भी पीक कर रहा था। अब फिलहाल मैंने दो गिरा दिए थे, लेकिन लेजिट उधर नॉक हो गया। अब उनका सिर्फ एक बंदा बच रहा था, लेकिन वही बात ना, यहाँ पर वो बचा लेकिन मैंने पुश नहीं करा क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि कहीं वो हैक वगैरह ना यूज़ कर रहा हो, लेकिन जब तक गया बहुत देर हो चुकी थी, तो मैंने एक को भर दिया। दूसरा वाला मेरे को नॉक अंदर दिख रहा था, लेकिन पहले मैंने सोचा कि लेजिट को रिवाइव देते हैं क्योंकि एक से भले दो होते हैं। पता है भाई, रुक जा बस।
अब फिलहाल मेरे को पता था कि वो दरवाजे के पास है और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे पर अंधी पुश करे, तो मैंने एक नेट डाला, लेकिन तभी मैंने दोनों को वहाँ से भागते हुए देख लिया। तो इतना तो तय हो गया था कि वो लोग यहाँ से निकल गए, लेकिन उनके सामने ही लड़ाई हो गई। अब उनके एक बंदे को मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया, लेकिन दूसरा वाला बच के निकल गया। अब फिलहाल वो बंदा निकल गया था, तो हम लोग आए पोचिंकी में। अब पोचिंकी भी ये नहीं पता था कि बंदे कहाँ है, तो लेजिट ने पोजीशन ले ली और मैं गाड़ी चलाने लगा कि कोई मेरे ऊपर फायर करे, और बंदे जाल में फंस गए। आगे कोई घर देखने की बात कर रहा है, ओ भाई लेजिट ने यहाँ क्या भरा है दोनों को बैरल से, बता नहीं सकता। अब फिलहाल यहाँ पर मैं जा रहा था चर्च के ऊपर, और यहाँ पर तभी मेरे को फुटस्टेप आया और मैं समझ गया कि चर्च में कोई है, तो मैं पीछे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर मैंने लेजिट का वेट करा, और मैंने स्क्वाडोस की तरफ गाड़ी भी खड़ी हुई देखी थी, तो हम लोग को उधर का भी ध्यान रखना था। अब फिलहाल उधर मेरे को लगा कि सब कुछ क्लियर है, तो हम लोग ने तय करा कि हम लोग इन चर्च वालों के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन पास आगे पता चला ये तो सिर्फ इकलौता ही है। अब फिलहाल हम लोग को सामने से पड़ रही थी, तो यहाँ पर हम लोग ने पुश करना सही नहीं समझा, और तभी हम लोग के ऊपर से जोन भी हट गया, तो लेजिट ने कॉल दिया कि इनको छोड़ो जोन में चलो। फिलहाल जो भी हो मेरे को तो मेरे गल मिल गए। वो पूरी की पूरी स्क्वाड है, क्या करें क्या करें। अब फिलहाल ये एंड का सर्किल था, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जो बंदे बचे हुए थे वो सबके सब प्रोन थे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग ने स्मोक वॉल बना ली, और यहाँ पर हम लोग ने डिसाइड करा कि लेजिट कार से जाएगा ताकि उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिले, और मैं थोड़ा नीचे नीचे जाऊंगा। अब आ रहा हूँ मैं, बैठेगा। अब फिलहाल लेजिट पोजीशन में पहुंच गया था, और मैंने स्मोक स्क्रीन भी बना ली थी, तो यहाँ पर मेरे लिए उस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बंदे कहाँ है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, बस खाली डायरेक्शन पता थी। अब भाई यहाँ पर मेरे मुंह पे नेट गिराएगा आके। अब इस नेट से बचा, और तभी एक और नेट आया, और उससे भी मैं बच गया। अब यहाँ पर आगे जा सकता था, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन आगे गया फिर। अब लेजेंड ने उनकी ऐसी की तैसी कर रखी थी, तो जो भी था पक्ष हम लोग का अब यहाँ पर हैवी था, तो हम लोग ने डिसाइड करा कि हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनके ऊपर रश करेंगे। एक काम कर, उस वाले पेड़ के तने तक जाना, हम कुछ है, स्मोक कर रहा हूँ मैं। स्मोक था, ग्रेनेड था, ये स्मोक था। मैं रिस्क ले रहा हूँ। ये अलग अलग टीम थे सब, इधर ये वो एक रुक जा रुक जा रुक जा प्रोनो आगे आ।
अब भाई साहब ये मैच तो हम लोग बहुत ही आराम से जीत गए। अब इसके बाद एक और मैच है, उसमें ज़्यादा किल तो नहीं थे लेकिन एंड सर्कल में क्या फाइट हो गई, कदी मजा आ गया। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक ऑफलाइन बंदा दिखा। मोली का राउंड है, जिंदा में मत जाना, मत जाना, मत जाना, मत जाना। ए घुस जाना जरा, देखो किल के भूखे कैसे खड़े हैं सब यहां पर। अब मत जाना, तीसरा नहीं है, तीन तीन ब्लास्ट होने देना। घुसो तीसरी 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 स्टोरी। सुपर गाड़ी है। अब फिलहाल वो दो ही बंदे थे तो उनको तो आराम से भर दिया, लेकिन यहाँ टावर पे आया तो यहाँ पर एक स्क्वाड थी। बंदे दूसरे वाला भी टैग है गाइस, बहुत टैग है, आगे चला जा। नाइस। ओह मैन पीछे पीछे अपने सामने ही है। अब ये आखिरी बंदा बचा हुआ था तो इसको आराम से ठोक दिया और अब शुरू हुई यहाँ पर आखिरी लड़ाई, जो कि हमारे और एक टीवी करके कोई टीम थी उसके बीच में थी, क्योंकि हम ही दोनों स्क्वाड्स थे जो पूरे गेम को डोमिनेट कर रहे थे ऑलमोस्ट। ना 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 उस तरफ ना जाओ, उस तरफ ना जाओ, इस तरफ मेरे पीछे जाओ। हाँ हाँ अबे जोन पे तो ले ले बस। यहाँ फारूक ने एक बंदा ही बताया ना। अरे वोड़े वोड़े सामने दो बंदे। सामने इधर इधर इधर। अरे लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। लास्ट है। Enemies ahead. Enemies ahead. आजा आजा आजा। लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। हाँ हाँ इधर आ। फारूक आ गया, तू उस बंदे को फिनिश करने पे ध्यान दे, वो रेवना होना चाहिए बंदूक। हां वो पेड़ के पीछे कोड है ना। ओए सुनो सुनो सुनो, सामने देखो, सो हाइड इधर 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 बंदे इधर बंदे इधर बंदे। दूसरा भी नॉक, टोपी किधर नॉक करा पत्थर के पास। हां हां मेरे सामने देख, जल्दी जल्दी गया 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 पत्थर, वो देख पत्थर के पास, बंदूक पे देख, बंदूक के सामने देख, स्मोक में आजा। बंदूक बाज पीछे, मैंने उधर दिया बंदूक बाज, बंदूक छोड़ दे, छोड़ दे बंदूक, आजा आजा पीछे, आजा पीछे, आजा दूसरी स्कोर दी आगे, वो मार रही है, इधर आजा। अबे आ जा, अबे यार मैं पीछे आऊंगा, नॉक मार देगा, मेरे पे बैठा था तेरे करा के, तो अब मैं मुंह से ही वो बात बोल सके। अबे वो अपने बात मुंह से बोल देता तो मैं तुझे दोबारा कैप्चर नहीं मार दिया, मार दिया, मार दिया, आ जा। अरे 3v4 सिचुएशन है, आराम से खेल लो बस। अरे मैं पीवीपी रोको, अरे मुझे हील लगानी ही नहीं थी क्या यार। इस गाड़ी का फोड़ दे करो, इस गाड़ी मेंटी लोडी पर स्मोक के अंदर है, वो लेटा हुआ स्मोक के अंदर, मेरे सामने स्मोक बॉल। चल रहा मेरे सामने, चल रहा भाई साहब, कतई इजी चिकन डिनर। अरे जीजी बॉयज लेट्स गो। अबे टीवी वाले ही सही है।